दोस्तों, इस वीडियो में हम पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऐसा फंड जहां पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो 101% सेफ है, क्योंकि आपका जो भी पैसा जमा हो रहा है वो सीधा जमा हो रहा है भारत सरकार के पास। यानी एक ऐसा फंड जहां पे रिटर्न्स भी अच्छे हैं और पैसा भी 101% सेफ है। तो एक एक करके इस पीपीएफ अकाउंट के सारे फीचर्स को समझना शुरू करते हैं। अंत में हम पीपीएफ कैलकुलेटर को भी डिस्कस करेंगे कि यहां पे हम देखेंगे कि अलग अलग, यानी अगर आप हर महीने 500 रुपए डालते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, हर महीने 1000 डालते हो, अलग अलग केसेस को लेके पीपीएफ कैलकुलेटर को देखेंगे। और अंत में एक ऐसा सिर्फ पॉइंट है इस पीपीएफ कैलकुलेटर कह रहे हो, इस पीपीएफ अकाउंट का सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जो ये बोलता है कि क्यों हमें पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा नहीं करना चाहिए। यानी सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, अदरवाइज बाकी सारे ही पीपीएफ के एडवांटेजेस ही हैं। तो एक एक करके इसके सारे फीचर्स को समझना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पीपीएफ अकाउंट है क्या? देखो, एक ऐसा अकाउंट है जहां आपको जो पैसा जमा करना है वो 15 सालों के लिए जमा करना है। अब सवाल आता है कि जरूरी है कि 15 सालों के लिए पैसा डालना? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। एक लॉक इन पीरियड है 15 साल का। यानी ऐसा नहीं आप बोल सकते कि मैंने आज पैसा डाला, अगले साल भी डाल दिया, लेकिन उसके बाद मैं नहीं डालूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आज आपने, मान लो आपने 2023 में इस पीपीएफ अकाउंट को अगर ओपन किया है, तो अगले 15 साल तक यह अकाउंट आपके साथ जुड़ा रहेगा। उससे पहले आप इस अकाउंट को नहीं तोड़ सकते। बीच में तोड़ सकते हो, वो कंडीशन सारी बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटी एक बार आप इसको लेके चलो कि 15 सालों के लिए ये अकाउंट आपका खुलेगा ही खुलेगा। जैसे दूसरी तरफ हम एक साल की एफडी खोलते हैं, दो साल की भी खोलते हैं, तीन साल की भी खोल सकते हैं, पांच साल की भी खोल सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा एक फिक्स डिपॉजिट हम 10 साल की खोल सकते हैं। ऐसे ही ये पीपीएफ अकाउंट हम 15 साल का खोल सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आज की डेट में तो एफडी के ऊपर भी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं, तो फिर हम एफडी क्यों नहीं खोल सकते? एफडी तो हम अपनी मर्जी की भी खोल सकते हैं ना, कि मैं चाहूं तो एक साल की भी खोल सकता हूं, मैं चाहूं तो पांच साल की भी खोल सकता हूं, मैं चाहूं तो ज्यादा से ज्यादा एक फिक्स डिपॉजिट आप किसी भी बैंक में 10 साल की खोल सकते हो, लेकिन पीपीएफ आपको 15 साल के लिए खोलना है। तो एफडी का नुकसान पीपीएफ की तुलना में इसलिए, मतलब एक तरह से एफडी का पलड़ा इसलिए कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि एफडी में जो आप पैसा जमा करते हो ना, तो उस पे आपको कोई टैक्स रिबेट मिलती, और जो एफडी के ऊपर आप ब्याज कमाते हो वो जो इनकम मानी जाती है आपकी, वो इनकम भी टैक्सेबल है। पहले एक बार मैं आपको ये समझाता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं। देखो, मान लो आपने एक फिक्स डिपॉजिट करवाई 1,00,000 रुपए की, ठीक है जी। जो 1,00,000 रुपए की एफडी कराई, क्या इस पे आपको टैक्स रिबेट मिला? नहीं मिला। अभी टैक्स रिबेट समझाऊंगा पीपीएफ में क्या होता है, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं छोड़ूंगा मैं आज आपको पूरा। हो सकता है आप में से 80% लोगों को पता हो कि टैक्स रिबेट क्या है, लेकिन जिन 20% लोगों को नहीं पता उन्हें ही बताऊंगा कि सेक्शन 80C में टैक्स रिबेट का मतलब क्या है। बेसिक सी चीज है, लेकिन फिर भी एक एक चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एफडी में मैं जो भी पैसा जमा करता हूं मुझे कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलती। मान लो धीरे धीरे करके मैंने 5 साल की एफडी कराई, ठीक है जी, और मान लो मुझे 25-30 हज़ार रुपए ब्याज मिल गया इस एफडी के ऊपर 5 साल के बाद, ठीक है जी। तो ये जो 25-30 हज़ार रुपए मुझे मिले, ये मेरी इनकम मानी जाएगी। मान लो पूरे साल में इस ब्याज के अलावा मैंने 10,00,000 रुपए कमाए, पूरे साल में 10,00,000 तो कमाए, साथ में ये ब्याज भी कमाया, तो मेरी इनकम 10,00,000 नहीं मानी जाएगी, मेरी इनकम मानी जाएगी 10,25,000 रुपए। समझ रहे हो आप बात को? ये 25,000 रुपए भी मेरी टैक्सेबल माने जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखो, एफडी के अंदर आज की डेट में अगर हर साल आप 10,000 रुपए से अगर ज्यादा ब्याज कमाते हो तो सरकार आपसे 10% टीडीएस भी काटती है। ये टीडीएस आपका रिफंड जरूर हो जाता है जब आप आईटीआर भरते हो, लेकिन एक चीज समझो कि टीडीएस भी कटता है। वहीं दूसरी तरफ पीपीएफ को हम बोलते हैं IEEE। IEEE का मतलब क्या है? एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। यानी जो पैसा आप जमा कर रहे हो, ठीक है, मान लो हर साल आप 1,50,000 रुपए जमा कर रहे हो जी पीपीएफ के अंदर, तो ये जो पैसा आप जमा कर रहे हो इस पे भी आपको टैक्स रिबेट मिल रही है। जो आप लगातार हर साल पैसा जमा करते जा रहे हो, इसके ऊपर जो आप ब्याज कमाते जा रहे हो, ये भी एग्जेम्प्ट है, यानी इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और फाइनली जब पीपीएफ मैच्योर हो जाएगा तो आपको जो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी जो आपने पैसा जमा किया प्लस ब्याज इकट्ठा जो आपको मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री है। अब आप बताओ इससे शानदार क्या स्कीम आप लोगे? 100% सेफ, क्योंकि भारत सरकार की स्कीम है, पैसे के ऊपर ब्याज भी अच्छा मिल रहा है, जो पैसा जमा कर रहा हूं उस पर भी टैक्स नहीं लग रहा, जो पैसा ग्रो हो रहा है यानी उस पर जो ब्याज इकट्ठा हो रहा है उस पर भी टैक्स नहीं है, जो मैच्योरिटी में पैसा मिलेगा उस पर भी ब्याज, उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। तो इससे बढ़िया कोई स्कीम नहीं है, ठीक है जी। और एक चीज और बताऊं, जब हम 15 सालों की स्कीम खोलते हैं ना, जब हम ऐसा होता है ना, मान लो मैंने आज कोई एफडी करा ली, ठीक है, या मान लो मैंने कोई ऐसा फंड वंड खोल लिया कि जिसे मैं कल को तोड़ सकता हूं, इतनी सी भी जरूरत नहीं पड़ती ना, मतलब थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाती है ना, मतलब ऊंच नीच हो जाती है, हम फटाफट उस फंड को तोड़ देते हैं। लेकिन एक
ऐसा फंड जो हमें पता है कि कुआं है जिसमें पैसा तो डालना है लेकिन 15 साल से पहले नहीं निकाल सकता। तो ऐसे फंड्स ना उन पेरेंट्स के लिए बहुत काम के होते हैं। मान लो मैं ये भी कहूंगा कि जैसे किसी के घर में बिटिया पैदा हुई, ठीक है जी, तो सुकन्या समृद्धि योजना से भी शानदार मैं इसको कहूंगा, क्योंकि वो 21 सालों की चली जाती है। 21 साल बहुत बड़ा टाइम हो जाता है, 15 साल एकदम बेस्ट है। मतलब अगर आप अपनी बिटिया के लिए पीपीएफ खोल लो ना, सुकन्या को ना खोल के, तो भी कोई दिक्कत नहीं। या फिर अगर आपका बेटा है, बच्चा घर में पैदा हुआ है, आज मतलब अगर आज ही पैदा हुआ ना, तो आज ही पीपीएफ अकाउंट खोल लो भाई, उसके लिए पैसा जमा करना शुरू करो। बीच में ये भी है कि सुरक्षित है, क्योंकि जब आपके खर्चे शुरू होंगे उस बच्चे के, जब पढ़ाई के, हायर एजुकेशन के, या कोई भी एक्स वाई जेड खर्चे शुरू होंगे, वो जब 15-20 साल का होने लगेगा तभी शुरू होंगे, तो उस टाइम पे ही आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 15 साल एक ऐसा फंड जिसे आप तोड़ नहीं सकते, जिसे नहीं तोड़ सकते ना, उसी फंड में ही सेविंग कर सकते हो। अदरवाइज सेविंग्स क्या होता है, एक एफडी खोल ली ना, जब एफडी मैच्योर हुई, चलो जी शॉपिंग कर लेते हैं, चलो जी ये खर्चा है, चलो जी एसी लगवा लेते हैं, चलो जी ये कर लेते हैं, ये खर्चों से बचा जा सकता है, क्योंकि फंड तोड़ ही नहीं पाओगे तो आपका पैसा ज्यादा इकट्ठा होगा। ठीक है, अब यहां पे आगे समझते हैं इस फंड के बारे में, यानी पीपीएफ अकाउंट के बारे में। अब पीपीएफ अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 7.1% का। ठीक है जी, अब आज की डेट में आपको एफडी में भी इतना इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, मतलब कुछ कुछ बैंक तो 7.5% का भी इंटरेस्ट रेट दे देते हैं, लेकिन एफडी रेपो रेट के ऊपर इर्द गिर्द चलती है। ठीक है, कल को एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट धड़ल्ले से नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन 7.1% का इंटरेस्ट रेट एक रिस्पेक्टेबल इंटरेस्ट रेट है। इसके साथ आप ये भी कंसिडर करके चलो कि ट्रिपल ई का बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। ठीक है जी, अब इस फंड के अंदर जो ये 15 सालों का पीपीएफ हमारा अकाउंट है, इसके अंदर आपको ना हर साल आपको कम से कम 500 रुपए जमा करने जरूरी हैं। अगर आपने हर साल 500 रुपए जमा नहीं किए तो फिर ये इनएक्टिव होने लग जाएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा साल में 1.5 लाख रुपए आप इस पीपीएफ अकाउंट में जमा कर सकते हो। ठीक है जी, अब यहां पे सवाल आता है कि सर आप बता रहे थे कि हमें कुछ टैक्स रिबेट मिलती है, ठीक है, वो टैक्स रिबेट क्या है? देखो पहले टैक्स रिबेट समझते हैं। देखो एक होता है हमारा सेक्शन 80C, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट का, आईटी एक्ट 1961 का, 1961 आईटी एक्ट के अंदर एक सेक्शन होता है 80C। इस 80C के ना अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लो आपका पीएफ हो गया, आपका पीपीएफ हो गया जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एक 5 ईयर एफडी होती है पोस्ट ऑफिस की, ये हो गई। उसके अलावा एससीएसएस, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसके अलावा आपका सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसे ना अलग अलग इसके प्रोडक्ट है। सरकार बोलती है कि अगर आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हो और इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो 1.5 लाख रुपए तक, मतलब 1.5 लाख रुपए तक हम आपको टैक्स रिबेट देंगे। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको पीपीएफ अकाउंट से समझाता हूं। देखो मान लो आपने पीपीएफ अकाउंट खोला और हर साल, चलो पहले मान लो कि आप हर साल 10 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है जी, ये आपकी कमाई है, तो इसके ऊपर सरकार 10 लाख रुपए आप कमा रहे हो और 10 लाख रुपए के ऊपर जितना भी आपका टैक्स बनेगा वो टैक्स आपका काट लेगी। ठीक है, जितना भी परसेंट बनेगा वो सरकार आपसे टैक्स काटेगी। लेकिन आप कहते हो कि 10 लाख में से ना मैं हर साल 1.5 लाख रुपए तो पीपीएफ अकाउंट में जमा करता हूं। ठीक है जी, अब ये पीपीएफ अकाउंट क्योंकि सेक्शन 80C का एक पार्ट है, तो सरकार क्या कहती है कि हम आपको 1.5 लाख रुपए तक की ज्यादा से ज्यादा टैक्स रिबेट दे देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपकी जो कमाई है वो मानी जाएगी 8.5 लाख रुपए, यानी जो आप पहले 10 लाख रुपए के ऊपर जो भी परसेंटेज ऑफ टैक्स दे रहे थे, वो आपकी कमाई अब 10 लाख नहीं मानी जाएगी, आपकी कमाई अब मानी जाएगी 8.5 लाख रुपए, क्योंकि आपने 1.5 लाख रुपए की टैक्स रिबेट ले ली सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट करके। अब एक और सवाल ही आता है कि सर अगर मान लो मैं 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में डाल दूं, 1.5 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि में भी डाल दूं, तो क्या मुझे 3 लाख की टैक्स रिबेट मिलेगी? आंसर इज नो, आपको ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए की ही टैक्स रिबेट मिलेगी सेक्शन 80C में। आप भले ही ये कह सकते हो कि मैं 75,000 रुपए पीपीएफ में डाल दूं और 75,000 रुपए सुकन्या में डाल दो, तो टोटल 1.5 की मिलेगी। हाँ, डाल जरूर सकते हो, आप सुकन्या भी खोल सकते हो और पीपीएफ भी खोल सकते हो, दोनों में 1.5 लाख रुपए भी डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टैक्स रिबेट ज्यादा से ज्यादा सेक्शन 80C के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए की ही मिलेगी। ठीक है जी, यहां तक ये चीज हमें क्लियर हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल था कि हम यहां पे थे कि ठीक है 15 सालों की हमारा ये पीपीएफ फंड है, हर साल हमें कम से कम 500 रुपए तो डालने ही हैं, और हर साल ज्यादा से ज्यादा मैं 1.5 लाख रुपए ही पीपीएफ अकाउंट में डाल सकता हूं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है, सर इतना बड़ा टेन्योर है, 15 सालों का फंड है,
इन केस कुछ भी एक्स वाई जेड कारण की वजह से अगर मुझे बीच में ही पैसों की जरूरत पड़ गई तो उस केस में क्या मैं इस फंड को टूटवा सकता हूं। तो ये फंड कहता है कि आप इस फंड को देखो, 15 सालों का फंड है ना, तो ये फंड बोलता है कि 3 साल से पहले, 3 साल से तो पहले तक तो भूल जाओ, आना भी मत, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो 3 साल से पहले तो इस फंड को आप हाथ भी नहीं लगा सकते। लेकिन 3 साल से लेके 6 साल तक, ये जो बीच में जो टेन्योर है ना 3 साल से लेके 6 साल के बीच का, इस टेन्योर में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसके अगेंस्ट में लोन जरूर ले सकते हो। ठीक है, लोन कितना ले सकते हो, मान लो आपको 4 साल के बाद जरूरत पड़ गई और 4 सालों में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कर ली थी 6 लाख रुपए। ठीक है, तो इस 6 लाख रुपए मान लो आपके टोटल सब कुछ मिला के, ब्याज और इंटरेस्ट मिला के टोटल 6 लाख रुपए आपके जमा हो रखे हैं। ठीक है जी, तो इसका 25% 6 लाख का 25% एज अ लोन आप ले सकते हो। ठीक है जी, अच्छा उसके अलावा मान लो आपको पीपीएफ अकाउंट खोला और 5 साल कंप्लीट हो गए। ठीक है, 5 साल के बाद आप इसमें से ना प्री मेच्योर भी, देखो एक तो हो गया पहला लोन ले सकते हो 3 साल से 6 साल के बीच में, दूसरा सिनेरियो ये कहता है कि 5 साल जब आपको कंप्लीट हो जाएंगे ना उस टाइम पे आप प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हो, मतलब आपका कुछ भी रीजन हो प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हो। कितना कर सकते हो, जितने अभी तक आपका पैसा जमा हो गया है उसका 50% एज अ प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हो। यानी अगर मान लो 5 साल किसी को हो गए और 5 साल में उसने सपोज करो कि 7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे, तो 7 लाख का 50% यानी 3.5 लाख रुपए वो प्री मेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा केस एक और है, तीसरा केस ये बोलता है कि अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है और 15 साल में से ये 5 साल मान लो कंप्लीट हो गए, ठीक है जी, और यहां पे वो चाहता है कि अकाउंट क्लोज ही कर दो, जितना मेरा पैसा है वो पूरा का पूरा पैसा मुझे एक तरह से वापस दे दो, जितना भी ब्याज प्रिंसिपल अभी तक इकट्ठा हुआ है वो सारा पैसा अगर वो लेना चाहता है तो वो ले सकता है। प्री मेच्योर विड्रॉल की बात नहीं कर रहा, विड्रॉल में तो 50% मिलता है, प्री मेच्योर क्लोजर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये रीजन होना चाहिए कि अगर फैमिली में किसी को हाईली मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है, या फिर अगर मान लो किसी को एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या फिर किसी को हायर एजुकेशन के लिए अगर बाहर जाना है, तो सिर्फ उस केस के अंदर ही 5 साल के बाद आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हो, यानी अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हो। लेकिन आपके रीजन यही होने चाहिए कि फैमिली में किसी को बहुत इमरजेंसी आ गई मेडिकल की, या फिर किसी को हायर एजुकेशन के लिए बच्चे को अगर बाहर भेजना है, तो सिर्फ उस केस में ही आप इसे प्री मेच्योर क्लोज कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक सवाल ये आता है, सर ठीक है कि ये बात समझ आ गई कि मुझे 15 साल का ये फंड है, ठीक है जी, मुझे हर साल ज्यादा से ज्यादा मैं इसमें 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर सकता हूं। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया फंड है, इसमें तो 1.5 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो कुछ लोगों के मन में एक सवाल आता है कि सर क्या मैं 2 PPF अकाउंट खोल सकता हूं, मान लो एक तो मैं खोल लूं PPF अकाउंट जाके ICICI बैंक में, एक मैं खोल लूं PPF अकाउंट जाके पोस्ट ऑफिस में, तो क्या मैं 2 PPF अकाउंट खोल सकता हूं? आंसर इज नो, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो, आपके पैन कार्ड से पीपीएफ अकाउंट लिंक हो जाएगा, सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट आप खोल सकते हो और हर साल ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए ही पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक सवाल लोगों का यह भी आता है कि सर आप ये बोल रहे हो कि मान लो प्राइवेट बैंक की बात कर लो, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये प्राइवेट बैंक वाले भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं तो क्या ये सेफ है, क्योंकि लोगों को ना एक डर होता है कि जी मैं पीपीएफ अकाउंट खुलवाऊंगा तो या तो SBI से खुलवाऊंगा या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवाऊंगा, क्योंकि मतलब या फिर सरकारी किसी भी बैंक में खुलवाऊंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा से खुलवा दिया, लोगों को लगता है कि ये बैंक ना सेफ है क्योंकि ये सरकारी बैंक है, और लोगों को दूसरी तरफ लगता है कि जी ICICI HDFC एक्सिस XYZ जो भी प्राइवेट बैंक्स है, पता नहीं क्या मेंटेलिटी है, लोगों को लगता है कि भाई ये थोड़े से ना कभी भी डूब सकते हैं, तो मैं प्राइवेट बैंक से क्यों पीपीएफ अकाउंट खुलवाऊं? आप देखो, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ये एक तरह से थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं बैंक, ये सीधा सीधा एक सरकारी अकाउंट है। आप चाहे अगर मान लो आप ना ICICI में भी खुलवा लो, ठीक है, ICICI में भी अगर आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाओगे तो ये सिर्फ एक थर्ड पार्टी का काम कर रहा है, आपका अकाउंट जो है वो सीधा सीधा भारत सरकार के पास ही खुल रहा है, तो कहीं मर्जी खुलवाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडियन गवर्नमेंट की है, ठीक है जी। इसके बाद एक चीज आती है कि मान लो आपने बताया कि सर 15 सालों के लिए फंड था और हर साल मुझे कम से कम 500 रुपये जमा करने जरूरी थे, लेकिन मान लो मैं 2-3 साल टप गया और मैंने 1 रुपया भी नहीं डाला इसके अंदर, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो आपका अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन इनएक्टिव से भी आप अकाउंट को एक्टिव कर सकते हो। जैसे मान लो आपने ये अकाउंट चलाया,
ठीक है, 2 साल तक तो आपने इसमें पैसे डाले, मतलब 5-6 हजार रुपए डाल दिए हर दोनों साल। पहले साल मान लो आपने 10 हजार डाल दिए और दूसरे साल मान लो आपने 20 हजार डाल दिए, लेकिन आपने तीसरे साल कोई पैसा नहीं डाला, चौथे साल नहीं डाला और पांचवें साल नहीं डाला, कोई भी पैसा नहीं डाला, तो पीपीएफ अकाउंट बोलता है कि ऐसा है कि जितने भी साल आपने पैसा नहीं डाला ना, हर साल की मैं आपके ऊपर 50 रुपए पेनल्टी लगाऊंगा। तो यानी तीसरे साल की 50 रुपए पेनल्टी, चौथे साल की 50 रुपए पेनल्टी और पांचवें साल की 50 रुपए पेनल्टी, यानी टोटल तो आपको 150 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। साथ में तीसरे साल क्योंकि 500 रुपए कम से कम इन्वेस्ट करने थे तो वो 500 रुपए डालने होंगे, इस साल भी 500 और इस साल भी 500, यानी 1500 रुपए ये हो गए, यानी आपको टोटल 1650 रुपए देने होंगे, जिसमें से 150 रुपए आपकी पेनल्टी होगी और 1500 रुपए तो आपके ही इन्वेस्ट करवाए हैं पीपीएफ ने। तो इनएक्टिव अकाउंट को भी आप एक्टिव कर सकते हो। देखो यही फायदा होता है सरकारी बैंकों का, सरकारी स्कीम्स का। गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या होता है ना, आपके ऊपर पेनल्टी थोपी नहीं जाती। आप किसी भी प्राइवेट फंड को उठा लोगे ना, आपने बाय चांस महीने बाय महीने भी ना आपने एक आधा अगर मान लो पैसा भरना गलती से भी भूल गए ना, तो ये पेनल्टी मतलब आप कहोगे भाई क्यों ही पंगा ले लिया। और ये देखो 3 साल भी अगर आपने पैसे नहीं भरे तो सिर्फ 150 रुपए की पेनल्टी है। तो यही बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, यही बेनिफिट है गवर्नमेंट स्कीम्स का। तो ये होनी चाहिए, मतलब देश में होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ हम प्राइवेट फंड्स के ऊपर रह जाएंगे या फिर प्राइवेट बैंकों के कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के भरोसे बैठ जाएंगे ना, तो एक मिडिल क्लास और अमीर आदमी तो बच जाएगा, लेकिन इस देश का गरीब आदमी कभी इन्वेस्टमेंट की सोच भी नहीं सकेगा। वो सिर्फ जो देश का गरीब आदमी है उसके लिए तो ये वरदान है एक तरह से, क्योंकि उसके ऊपर ऐसा नहीं कि ये पेनल्टी, क्योंकि गलती हो जाती है जब आपके पास। देखो अगर मान लो कोई ऐसा बंदा है जो गाँव से आता है, ठीक है, उसने अकाउंट खोल भी लिया, तो इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है रूरल एरियाज में कि वो हर चीज को इजीली ट्रैक करे, कई बार गलतियां हो जाती है। तो ऐसे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर पेनल्टी इतनी लगा दो कि जो उसने आज तक इन्वेस्टमेंट किया वही खत्म हो जाए। तो अच्छा है ये, ठीक है, काफी अच्छा लगता है कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जहां आपके पैसे जमा भी हो रहे हैं और बाई चांस कुछ गलती भी हो जाए तो भी अकाउंट इनएक्टिव नहीं रहता, वो एक्टिव भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी मैंने ऐसी ना पॉलिसीज देखी हैं, ठीक है, आप गलती से 1-2 साल नहीं भर रहे पैसा तो इतनी पेनल्टीज लग जाती है कि आज तक जो इन्वेस्टमेंट किया वही खत्म हो जाती है। तो उस लिहाज से काफी अच्छा है ये, ठीक है। तो इसमें हर महीने आप वो करना, अच्छा एक चीज हो रहा है कि ज्वाइंट अकाउंट आप कभी भी ओपन नहीं कर सकते। मान लो जैसे हम एफडी कराते हैं, ठीक है, तो एफडी हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके क्या करते हैं, ज्वाइंट खोल लेते हैं कि जी ज्वाइंट के नाम से, यानी हस्बैंड का जो नाम वाइफ का जो नाम है उन दोनों के ज्वाइंट अकाउंट में एक एफडी खुल गई। लेकिन पीपीएफ अकाउंट को आप ज्वाइंट ओपन नहीं कर सकते, ये इंडिविजुअल लेवल पे ही आप इसे ओपन कर सकते हो। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट से जुड़े कुछ एडिशनल सवालों को देख लेते हैं। पहली चीज तो ये है कि पीपीएफ अकाउंट में, ये बात अभी तक हमने डिस्कस की है कि पीपीएफ अकाउंट में आप हर साल ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है जी। अब चाहे तो 1.5 लाख रुपए आप 1 अप्रैल को जमा कर दो, चाहे 1.5 लाख आपने मान लो, देखो पहली चीज तो पीपीएफ अकाउंट 1 जनवरी से दिसंबर तक नहीं चलता, ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक नहीं चलता, ये चलता है फाइनेंशियल ईयर से। फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से, ठीक है जी, 31 मार्च तक, ठीक है, ये इसकी साइकिल है। अब यहां पे आप समझना ध्यान से, यहां पे ये बोला जाता है अक्सर कि जो पीपीएफ अकाउंट में आप पैसा डाल रहे हो, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई बंदा आएगा और ये कहेगा जी लो जी 1 अप्रैल आ गई 1.5 लाख रुपए पकड़ो, अब पूरे साल, अब क्योंकि 1.5 लाख से ज्यादा तो आप डाल ही नहीं सकते। अब ऐसा तो हर इंसान नहीं करता, हर इंसान क्या करता है, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डालता है। मान लो मैंने इस महीने 5 हजार डाल दिए, या इस महीने मैंने 10 हजार डाल दिए, अगले महीने 20 हजार डाल दिए, तो हर कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस चीज में एक आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, मान लो आप अप्रैल का महीना लग गया, ठीक है, और आपने अप्रैल मई कोई भी महीना लग गया और आपने पीपीएफ में 10 हजार रुपए डालने हैं सपोज करो, ठीक है जी, तो आप हमेशा जो भी महीना स्टार्ट हुआ है ना, मान लो अप्रैल का ही महीना स्टार्ट हुआ है, तो आप 5 तारीख से पहले पहले पीपीएफ में पैसा डालो, क्योंकि 5 तारीख से पहले पहले तक जो रकम पीपीएफ में पड़ी है पूरे महीने सिर्फ उसी का ही ब्याज मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो अप्रैल का महीना शुरू हो गया और 1 अप्रैल को आपके पीपीएफ में जो टोटल बैलेंस पड़ा है वो पड़ा है 1 लाख रुपए, ठीक है जी, और उसके बाद आपने 6 अप्रैल को इस पीपीएफ में 50 हजार रुपए और डाल दिए, तो ये जो अप्रैल का पूरा महीना चलेगा ना, इस पे सिर्फ आपको 1 लाख रुपए के ऊपर ही ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब जब अप्रैल के बाद मई लगेगा और जब मई 5 तारीख आएगी उस टाइम पे फिर आपके ये 50 हजार रुपए काउंट होंगे,
लेकिन वही दूसरा केस लेके चलो, अप्रैल 1 को आपके अकाउंट में जो बैलेंस था वो था 1,00,000 रुपए, ठीक है जी। और मान लो आपने अप्रैल 6 अप्रैल की जगह आपने अप्रैल 4 को ही इसमें 50,000 रुपए और डाल दिए, तो 5 अप्रैल को ये जितना बैलेंस होता है वो देखते हैं कि अच्छा कितना बैलेंस पड़ा है, तो पूरे महीने इस बार आपको फिर 1,50,000 रुपए के ऊपर ही ब्याज लगता। समझ गए आप बात को? तो जब भी आप जिस भी महीने पैसा डालो, आप कोशिश करो कि 5 तारीख से पहले पहले ही पैसा डाल दो। देखो यहां ऑफिशियली इनकी जो वेबसाइट है, इनका जो ब्रोशर है, वहां पे क्लियरली लिखा भी हुआ है, देखो द बेस्ट टाइम फॉर डिपॉजिट इन पीपीएफ अकाउंट इज इन बिटवीन 1st and 5th ऑफ द मंथ, ठीक है। तो 1 से 5 तारीख के बीच में ही आप इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि सर ठीक है, ये जो है 15 सालों का फंड है, ठीक है, मान लो मेरे पास इस साल 2023 में जो है मैंने पीपीएफ अकाउंट को शुरू कर लिया, ठीक है जी, कर लिया। अब इस साल 2023 में मान लो मैंने अप्रैल में भी पैसा डाला, मई में भी डाला, जून जुलाई अगस्त धीरे धीरे करके डाला मैंने, तो क्या ब्याज कैसे मिलेगा? जैसे एफडी क्या होती है, एफडी तो जब मैच्योर होती है तो हमें ब्याज मिल जाता है, ठीक है जी। तो सवाल ये भी आता है ना कि क्या अब 2023 के 15 साल के बाद जब ये पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होगा तो क्या मुझे ब्याज सीधा तभी पता लगेगा कि मेरा ब्याज कितना बना है? ऐसा नहीं। देखो यहां पे साल 2023 में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की, मान लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में नहीं की, उसके बाद मान लो जब भी की दिसंबर जनवरी अगले साल 2024 शुरू हो गया, ठीक है जी। अब 2023 में जितना भी आप पैसा डालोगे इसका आपको ब्याज मिलेगा, और आपकी जो पीपीएफ अकाउंट है ना वो एक जैसे सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट होती है ना, वैसी स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है। वैसे आप देख सकते हो इजीली, अच्छा मैंने इस तारीख को इतने पैसे डाले, इसको इतने डाले, ठीक है। आपका जो ब्याज मिलेगा वो अगले साल साल 2024 की 31 मार्च की जो तारीख होगी ना, उस दिन रात को आपके अकाउंट में एक एंट्री आएगी कि पूरे साल का जो भी ब्याज है वो इस अकाउंट में क्रेडिट हो गया। समझ गए आप बात को? पूरे साल में जो भी पैसा डालोगे वो 31 मार्च को जितना भी ब्याज बनेगा वो एक तरह से क्रेडिट की एंट्री आपके अकाउंट में दिखाई देगी, ठीक है जी। अब इसके अलावा पीपीएफ के कुछ और ऑप्शंस भी हैं। जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया कि ये जो है 15 सालों की स्कीम है, ठीक है जी। अब 15 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 15 साल जब यहां पे कंप्लीट हो गए, तो इसके बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन तो ये है कि 15 साल कंप्लीट हो गए जी, आपने जो भी अभी तक पैसा जमा किया यानी आपका प्रिंसिपल प्लस जो भी आपने ब्याज कमाया यानी आपका इंटरेस्ट, ये पूरा पैसा आप पकड़ो और आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि 15 साल यहां पे कंप्लीट हो गए और आप ये कहते हो कि मैं इसे और एक्सटेंड करना चाहता हूं, ठीक है, तो आप इसे 5-5 सालों के मल्टीपल में जितनी बार मर्जी चाहो उतनी बार एक्सटेंड कर सकते हो। यानी 15 साल कंप्लीट हो गए, आप कहते हो जी इसे 5 साल और एक्सटेंड कर दो, अब मैं हर साल जो है कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करता रहूंगा तो और मेरा टाइम बढ़ता रहेगा, तो जो अभी तक मैंने पैसा कमाया यानी अभी तक जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कमाया साथ में मैं आगे और भी इन्वेस्टमेंट करता चला जाऊंगा, तो मेरा जो है इसका टाइम पीरियड आप बढ़ा दो, ठीक है। आपने 5 साल बढ़वाया, हो सकता है उसके दोबारा बाद आप 5 साल और बढ़वा लो, तो इसे 5-5 करके आप कितनी बार मर्जी बढ़वा सकते हो। और तीसरा ये केस बनता है कि 15 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है जी, आपने जो भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कमाया आप इस अमाउंट को सरकार के पास ही रहने दो और इसे आप कहो जी 5 साल और एक्सटेंड कर दो, लेकिन इन 5 सालों में आप सरकार को कहोगे कि मैं नई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, जो भी ये मेरा पैसा है ना हर साल इसके ऊपर बस आप अपने पास रखो, इस पे जो भी ब्याज बनता चला जाएगा वो ब्याज आप बस लगाते रहो, मेरी रकम बढ़ती चली जाएगी। तो ये 3 केसेस और यानी कि ये 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं मैच्योरिटी के बाद। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट में आपको एक चीज का बस और ध्यान देना है कि जैसे मान लो क्या होता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पीपीएफ अकाउंट की जो साइकिल चलती है वो 1 अप्रैल से किसी भी साल के 31 मार्च तक के बीच में चलती है, ठीक है जी। अब जिस साल आप पीपीएफ अकाउंट को ओपन करते हो ना उस साल को माना जाता है 0-0 ईयर। जैसे कि मान लो आपने सपोज करो कि साल 2023 का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, आपने क्या करा मार्च 25 साल 2023 को पीपीएफ अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है, जैसे ही 1 अप्रैल लगी ना तो आपका ये जीरो वाला ईयर था ना, जो जीरो वाला ईयर था ये खत्म हो गया और 1 अप्रैल 2023 से ही आपका पहला साल शुरू हो गया और 31 मार्च को आपका ये पहला साल खत्म हो जाएगा, क्या नाम है, साल 2024 के, ठीक है। लेकिन आपने एक गलती की, आपने क्या करा, आपने 2 अप्रैल, ठीक है जी, 2 अप्रैल 2023 को इस अकाउंट को खुलवा लिया, तो अगला पूरा साल यानी 2 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2024 तक आपका जो ये साल माना गया ना, ये साल माना गया जीरो ईयर, यानी इस लिहाज से आपका पीपीएफ अकाउंट अब मैच्योर होगा
15 साल और जोड़ लो, एक साल यहां खत्म हो गया, तो आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होगा 16 साल के बाद। यानी जिस दिन आप अकाउंट खोलते हो, मान लो आपने दिसंबर में अकाउंट खोला, तो दिसंबर से लेके अप्रैल तक, ठीक है, 1 अप्रैल तक ये आपका जीरो ईयर काउंट होगा। उसके बाद 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो टाइम होगा वो फर्स्ट ईयर माना जाएगा। तो पीपीएफ अकाउंट आपका 16 साल का भी हो सकता है अगर आपने ये गलती की, कि आपने मान लो अप्रैल 2, 3, 4, 5, मतलब अगर आपने ऐसे अकाउंट खोल लिया तो आपका जो ये पीपीएफ अकाउंट है ना, फिर ये 16 साल का भी टेन्योर हो सकता है। अब एक सवाल और ये लेके चलते हैं लास्ट में, कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इस सवाल के बाद हम कैलकुलेटर भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सिर्फ एक रीजन है कि हमें पीपीएफ अकाउंट क्यों नहीं खोलना चाहिए। उसका कारण ये है कि आज हमें 7.1% का इंटरेस्ट रेट भारत सरकार देती है, लेकिन ये फिक्स नहीं है ना। आपने आज कैलकुलेटर भी देख लोगे, आप ये भी देख लोगे, अच्छा मैं इतना पैसा डालूंगा तो मैच्योरिटी में मुझे इतना ब्याज मिलेगा, आपके सपने कुछ उस तरह से बनने शुरू हो जाएंगे, है ना। बनते हैं ना कि आज मान लो मैंने आज पीपीएफ अकाउंट खोल लिया तो मेरे दिमाग में चलेगा, अच्छा 15 साल के बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा, उस टाइम मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन क्या गारंटी है कि अगले साल 7.1% ही रहेगा या से 5 साल के बाद 7.1% ही रहेगा, कोई फिक्स नहीं है। मान लो आज आपको 7.1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पीपीएफ अकाउंट खुल रहा है, मान लो आज खुल रहा है 7.1% के ब्याज पे, ठीक है जी, और हो सकता है कि 5 साल के बाद सरकार कहेगी जी अब हमने घटा दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% का बचा है। तो आपने जो इस दौरान पैसा जमा किया वो तो ठीक है आपके पास ही है, लेकिन उस पैसे के ऊपर और जो आपने इन्वेस्टमेंट करोगे ना, अब उस साल से आपके ऊपर 4% के हिसाब से ही ब्याज मिलेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आज 7.1% पे अगर आप पीपीएफ अकाउंट खोलते हो तो अगले 15 सालों तक आपको 7.1 ही मिलेगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरकार ने लगातार अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाए ही हैं। ये देखो आप साल 2014-15 में जिस व्यक्ति ने ये सोचा था कि मान लो किसी ने अगर ये खोला होगा ये सोच के कि 8.7% का उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उसने उस टाइम अपने दिमाग में कैलकुलेटर भी दौड़ाया होगा, पूरा ऑनलाइन जाके कैलकुलेटर चेक भी किया होगा कि अगर मान लो मैं हर साल 1.5 लाख रुपए ही डाल देता हूँ और 15 साल बाद मुझे इतना मिलेगा, 15 साल के बाद अगर मैं 5 साल और एक्सटेंड करूँ तो मुझे इतना मिलेगा, उस टाइम मैं अपनी बिटिया की शादी करूँगा, शादी बहुत धूमधाम से होगी, उसने अपनी सारी कैलकुलेशन, या फिर किसी ने सोचा होगा बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजूंगा या कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी उसने सपने देखे होंगे 8.7% के ब्याज के हिसाब से। लेकिन धीरे 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 सरकार कहां पे ले आई रेट ऑफ इंटरेस्ट को 7.1% पे। अगर आज उसका पीपीएफ अकाउंट चल ही रहा होगा, क्योंकि कौन सा उसे 15 साल हो गए हैं, अगर 2014 में उसने अकाउंट खोला था तो इसका अकाउंट 2029 में जाके मैच्योर होगा, करेक्ट है बात। 2014 में तो उसने ये सोचा था ना 8.7%, आज भी उसने कुछ ना कुछ पैसा डाल ही रखा होगा, लेकिन साल 2023 अभी चल रहा है, साल 2023 में उसे 7.1% का ब्याज मिल रहा है, आप समझ के बात को, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरकार ने धीरे धीरे 0.5% पिछले वैसे 2-1 साल से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो नहीं घटाया है, 7.1% ही अभी एक तरह से कर रखा है सरकार ने ये 2-3 साल से। देखो लास्ट इसने 2019 में 7.9% था और 2022 में हुआ था, 2021-22 में से 7.1% किया, तो पिछले 2 सालों से फिक्स है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, धीरे धीरे करके सरकार इसको कम कर सकती है। तो उस टाइम पे 15 साल की स्कीम है, मान के चलो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में सरकार इसे 4% पे ले आए आहिस्ता आहिस्ता करके, फिर हमें ऐसा लगेगा कि कहां हम फंस गए, कहां हमने इस पैसे को फंसा दिया। तो ये बस एक रीजन है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि इस अकाउंट को थोड़ा पीछे की तरफ धकेल देता है, बस एक ये कारण है, ठीक है। बाकी अब इसके कैलकुलेटर को एक बार हम देख लेते हैं कि कैलकुलेशन क्या बोलती है। मान लो आप 500 रुपए डालते हो जी हर साल में, ठीक है, तो 15 साल आपने मान लो इस अकाउंट को चलाया, 7.1% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो आप 15 सालों में इन्वेस्टमेंट करोगे 7500 रुपए, इंटरेस्ट मिलेगा 6061 रुपए और टोटल आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी 13000 रुपए। तो ये तो एक चलो मजाक था कि 500 रुपए से तो आप ज्यादा ही डालोगे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप हर महीने 5000 डालते हो, यानी साल की आप डालते हो 60000 रुपए, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक बार हम कैलकुलेटर में ले लेते हैं कि आपने साल के 60000 रुपीज इन्वेस्ट किए, 15 सालों की स्कीम है, 7.1% का इंटरेस्ट रेट है, आपने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट की 9 लाख रुपए, ठीक है जी, टोटल ब्याज आपको मिला 7,27,000 रुपए और 15 साल के बाद आपको टोटल अमाउंट मिलेगी 16,27,000 रुपए, ठीक है जी। लेकिन अगर मान लो आप पूरी एकदम लिमिट से पैसा डालते हो और आप कहते हो जी मैं 1.5 लाख रुपए साल के इन्वेस्ट कर ही दूंगा, तो मान लो आप
हर महीने कितने डालोगे, 12,500 रुपए डालोगे, अगर 1.5 लाख रुपए डालने हैं तो हर महीने अगर आप 12,500 रुपए डालते हो और 15 सालों तक डालते हो, 7.1% का इंटरेस्ट रेट है, तो आपने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया 22,50,000 रुपए, ब्याज आपको मिला 18,18,000 रुपए और आपकी टोटल अमाउंट हो गई 40,68,000 रुपए। यानी अगर आप 12,500 रुपए लगातार हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो आपको मैच्योरिटी पे 40,68,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन आप कहते हो कि जी मैं इसे एक्सटेंड करूंगा 5 सालों के लिए और, यानी मैच्योरिटी के बाद 5 साल और एक्सटेंड करते हो, तो इस केस में आपकी मैच्योरिटी अमाउंट बढ़ के 66,58,000 रुपए पहुंच जाती है। तो आप धीरे धीरे करके इसे आप एक्सटेंड कर सकते हो और मान लो आपने इसे 35 ईयर्स तक और एक्सटेंड कर दिया, तो उस केस में अगर आपने हर महीने 12,500 रुपए इन्वेस्ट किए, देखो एक अटल पेंशन योजना नाम की भी स्कीम है जिसमें आप 40 सालों तक इन्वेस्ट करते हो, तो आप अगर मान लो चाहते हो कि 15 साल तो इसका है ही है, साथ में मैं 35 ईयर्स और एक्सटेंड कर दूं और अगले लगातार 50 सालों तक, अगर आप 12,500 रुपए हर महीने डाल देते हो तो इस केस में मैच्योरिटी पे आपको 6,75,00,000 रुपए पीपीएफ अकाउंट से मिल सकते हैं जो आपके टैक्स फ्री होंगे। ठीक है, जो आपने पैसा डाला वो भी टैक्स फ्री, जो पैसा ग्रो हुआ वो भी टैक्स फ्री, और जो मैच्योरिटी पे आपको रिटर्न्स मिले वो भी टैक्स फ्री। यानी आप 6,75,00,000 रुपए तक कमा सकते हो इस पीपीएफ अकाउंट से। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस पीपीएफ अकाउंट से जुड़े हर एक सवाल को मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि इसका क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। अपनी तरफ से मैंने बेस्ट कोशिश की। इसके अलावा मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमारा एक नया चैनल है जिसपे आपको मैप्स की सारी वीडियो मिलेगी अंकित मदान ऑफिशियल के नाम से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस चैनल पे भी आप इतना ही प्यार हमें दो जितना आपने इस चैनल पे दिया। बाकी मेरी तरफ से मैंने आपको एक एक पॉइंट कवर कर दिया इस वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।